हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सपना शारदा। आज मैं आप सबको लिंग के बारे में बताऊंगी। लिंग का मतलब जेंडर होता है, इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में और उसके भेद के बारे में बताया था, उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। आज आपको जेंडर मीन्स लिंग के बारे में बताऊँगी मैं। लिंग क्या होता है? लिंग जो है जेंडर होता है। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग हमारा जो है क्या होता है, शब्द के जिस रूप से ये पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से ये पहचान होती है कि वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब जैसे ये है लड़का, लड़की, मोहन, गीता, तो इसमें क्या है, ऊपर लिखे हुए शब्दों में लड़का और मोहन पुरुष वर्ग के हैं। लड़का और जो मोहन है ये पुरुष वर्ग के हैं, और लड़की और जो गीता है वो स्त्री वर्ग की है। लिंग के भेद क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग मतलब मस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर। तो पुरलिंग क्या हुआ, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम पुरलिंग कहते हैं। जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का पता चलता है उसे हम पुरलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि, है ना। अब जो है निम्नलिखित प्राय पुरलिंग होते हैं। क्या पुरलिंग होते हैं, हिंदी दिनों और महीनों के नाम हमारे पुरलिंग में होंगे। सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, ये सब। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, युराल, ये सब हमारे पुरलिंग में होंगे। वृक्षों और फलों के नाम नाशपाती, लीची, इनको छोड़कर आम, केला, अमरूद, ये सब हमारे क्या होंगे, पुरलिंग में होंगे। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम, तो भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप, महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि, ये सब हमारे पुरलिंग में हैं। ऐसी चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम, चांदी को छोड़कर अन्य धातु कौन कौन सी होती है, सोना, लोहा, पीतल आदि जो है हमारे पुरलिंग में आते हैं। पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी हमारी जो है स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के नाम, मंगल, बृहस्पति आदि, ये सब हमारे पुरलिंग में आते हैं। अनाजों के नाम, दाल, चावल, गेहूं आदि, ये सब हमारे पुरलिंग में आते हैं। तो ये सब हमारे प्राय जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सब हमारे पुरलिंग में होते हैं। इसी तरह जैसे मड़ी है, मड़ी को छोड़कर हमारा जो है शेष रत्नों के जो नाम है, जैसे नीलम, हीरा आदि, ये सब हमारा किस में आता है, पुरलिंग में आता है। अब चमेली, नरगिस को छोड़कर, चमेली और नरगिस को छोड़कर जो अन्य फूलों के नाम हैं जैसे कमल, गुलाब, ये सब आदि जो है हमारे पुरलिंग में आते हैं। अब वर्णमाला के अक्षर, का, खा, गा, ये सब हमारे पुरलिंग में आते हैं। कुछ होते हैं निम्नलिखित, वो जो है स्त्रीलिंग में होते हैं प्राय। जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर जो शेष नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम, हमारे जो है तिथियों के नाम क्या हैं, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि जो है हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया, आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि, ये सब हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि जो है हमारे, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का समझ में आ ही गया होगा। ये मैं एक और बुक है उससे भी आपको बताती हूँ कि जिससे स्त्री पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है और शेरनी शिकार कर रही है, तो शेर दहाड़ रहा है तो ये हमारा जो है पुल्लिंग में हो गया, शेरनी शिकार कर रही है ये स्त्रीलिंग में हो गया।
शेन शब्द से पुरुष जाति का और शेनी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, और इसीलिए शेर पुरलिंग और शेनी स्त्रीलिंग शब्द है। निर्जीव वस्तुओं के शब्दों के लिंग की पहचान उनके उच्चारण के आधार पर की जाती है, जैसे नीला आकाश, नीली छत, फूल खिला, सुगंध आई। तो देखिए, ये नीला है तो ये पुरलिंग में बता रहा है, नीली छत मतलब ये जो है स्त्रीलिंग में बता रही है, और ये फूल खिला मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि फूल जो है ये पुरलिंग में आ रहा है, और सुगंध आई, सुगंध ये जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए इसके साथ जो है आई हमने लगाया है। लेकिन कुछ शब्द जो है हमेशा पुरलिंग में होते हैं, जैसे कि देश, भारत, चीन, नेपाल, अमेरिका, रूस, ये सब हमारे जो है पुरलिंग में आएंगे। वृक्ष, पीपल, सेब, अमरूद, अशोक, आम, ये सब हमारे पुरलिंग में आएंगे। पहाड़, हिमालय, नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली आदि जो है हमारे पुरलिंग में आएंगे। दिन में हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ये सब हमारे पुरलिंग में आएंगे। अब इसी के साथ कुछ और शब्द हैं जो पुरलिंग में होते हैं, बाजार, ज्ञान, सूर्य, पानी, पत्र, उल्लू, खटमल, आम, काम, फल, मित्र, चंद्रमा, अनाज, गांव, सोना, कमरा, अंगूठा, पाठ, मक्खन, दूध आदि, ये सब भी हमारे पुरलिंग के शब्द हैं। तो कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये सब हो गए। भाषा में हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली आदि हो गए। तिथि में जन्माष्टमी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि हो गए। तो रात, ये भी हमारा स्त्रीलिंग के कुछ और वर्ड्स भी हैं, रात है, रोटी है, खेती है, चिड़िया है, प्यास, पुस्तक, कक्षा, प्रार्थना, ऋतु, वस्तु, हवा, दवा आदि, ये सब भी हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो एक बार और हम एक बार स्त्रीलिंग को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया, आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि, ये जो है हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। और भाषाओं, लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। पुरलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना, सामान्यतः पुरलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदलते हैं, अंत में इसमें नी लगाकर, जैसे कुछ शब्दों के अंत में नी लगाते हैं तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, जैसे सिंह का सिंहनी, भील का भीलनी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी। कुछ शब्दों के अंत में इनी लगाकर हम क्या करते हैं, पुरलिंग से स्त्रीलिंग में बनाते हैं, जैसे अभिमानी का अभिमानिनी, तपस्वी का तपस्विनी, ओजस्वी का ओजस्विनी, मानी का मानिनी, स्वामी का स्वामिनी, पार्थी का पार्थिनी। ऐसी कुछ शब्दों के अंत में इया जोड़कर हम क्या करते हैं, पुरलिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, बेटा का बिटिया, बंदर का बंदरिया, बछड़ा का बछिया, बूढ़ा का बुढ़िया। ऐसी कुछ शब्दों के अंत में इन लगाकर हम क्या करते हैं, पुरलिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, माली का मालिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, नाती का नातिन, धोबी का धोबिन। तो ये हमने क्या करे, कुछ को इन लगाकर हमने उन्हें चेंज किया है स्त्रीलिंग में। कुछ थोड़े और शब्द भी हैं जिनमें हम इन लगाकर उन्हें जो है स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्वाला का ग्वालिन, मालिक का मालकिन, पापी का पापिन, कहार का कहारिन। ऐसे कुछ शब्दों के अंत में ई लगाकर हम जो है उन्हें पुरलिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, लड़का, बेटा, पोता, चाचा, ये सब हमारे पुरलिंग के हैं, इन्हें हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, तो क्या करेंगे, लड़का में ई लगाया तो लड़की, बेटा का बेटी, पोता का पोती, चाचा का चाची, नाना का क्या कर देंगे, नानी, मामा का मामी, देव का देवी, नर्तक का नर्तकी, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, बकरा का बकरी, पुत्र का पुत्री। तो इस तरह हम ई लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग में बदल देंगे। अंत में आनी लगाकर हम क्या करेंगे, पुरलिंग से स्त्रीलिंग बदल देंगे, जैसे सेठ है, सेठ का सेठानी हो जाएगा, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी हो जाएगा, नौकर का नौकरानी। तो इसमें हमने आनी लगाकर पुरलिंग से स्त्रीलिंग में बदला है। अंत में इका लगाकर
हम इन्हें जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका, पाठक का पाठिका, बालक का बालिका, गायक का गायिका, साधक का साधिका, सहायक का सहायिका, लेखक का लेखिका। तो इस तरह जो है हमने इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया है। वान के स्थान पर वती लगाकर हम इन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे। वान के स्थान पर वती लगाकर, तो अब हम जो है इसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। गुणवान का क्या हो जाता है? गुणवती। दयावान का हो जाता है दयावती। भाग्यवान का हो जाता है भाग्यवती। बलवान का हो जाता है बलवती। अब अंत में आ लगाकर हम कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलेंगे? भवदीये का होगा भवदीया, आचार्य का होगा आचार्या, छात्र का होगा छात्रा, सदस्य का होगा सदस्या, शिष्य का होगा शिष्या और सुत का होगा सुता। इस तरह हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे पिता, पिता का क्या हो जाता है? माता। नर का हो जाता है मादा। पुरुष का हो जाता है स्त्री। बेटा का हो जाता है बहू। और श्रीमान का हो जाता है श्रीमती। बैल का हो जाता है गाय। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं शब्दों से नहीं बनते हैं, इसमें बिल्कुल शब्द बदल जाते हैं, लेकिन ये इनके स्त्रीलिंग होते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो है पुराना फिर से रिविज़न हो जाएगा। अब क्वेश्चन हैगा इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो अब इसमें कहा गया है लिंग किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जिस शब्द से स्त्री पुरुष, स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, हम उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरलिंग। और स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग में वही हुआ कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरलिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेरनी शिकार कर रही है। तो शेर दहाड़ रहा है मतलब शेर शब्द से पुरुष जाति का और शेरनी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए शेर पुरलिंग और शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। अब आता है लिंग बदल कर लिखो। इनमें जो है इनके लिंग बदल कर लिखने हैं, मतलब ये जो है एक तरफ इसमें सारे के सारे पुल्लिंग हैं, बेटा, मालिक, नायक, बालक और गुणवान। तो इनके हम लिंग बदल कर क्या कर देंगे, बेटा का हो जाएगा बेटी, मालिक का हो जाएगा मालकिन, नायक का हो जाएगा नायिका, बालक का हो जाएगा बालिका, गुणवान का हो जाएगा गुणवती। ऐसे यहाँ पे बलवती, साधिका, मोरनी, सिंहनी, सहायिका, ये हमारे सारे स्त्रीलिंग हैं। तो बलवती का हो जाएगा बलवान, साधिका का हो जाएगा साधक, मोरनी का हो जाएगा मोर, सिंहनी का हो जाएगा सिंह, सहायिका का हो जाएगा सहायक। तो इस तरह से हम इनके जो है लिंग बदल कर इन्हें इस तरह से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके इन्हें फिर से लिखो। तो इनमें लिंग संबंधी क्या अशुद्धियाँ हैं? जैसे पहला लिखा है, मुझे अंगूर अच्छा लगती है। तो कभी ऐसे तो आप बोलोगे नहीं, मुझे अंगूर अच्छा लगती है। आप क्या बोलोगे? मुझे अंगूर अच्छे लगते हैं। तो यह इसका करेक्शन करके हम इस तरह लिख देंगे, माताजी आ रहे हैं। तो ये गलत है, आप क्या लिखेंगे? माताजी आ रही हैं, है ना। अध्यापिका पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ा रही है, हम इसका करेक्शन करके हम उसे रहे का रही है लिखेंगे। महादेवी वर्मा विद्वान महिला था। तो महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, महिला है तो इसमें थी का यूज होगा, तो क्योंकि स्त्रीलिंग है तो थी लगेगा, और अगर पुल्लिंग होता है तो था का यूज होता है। तो इसका करेक्ट होकर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का टिक लगाइए। तो सही विकल्प इनके क्या है देखते हैं। कौन सा शब्द दूसरे लिंग का है? कौन सा शब्द हमारा दूसरे लिंग का है? बेटी, नानी, बकरी, घोड़ा। तो बेटी, नानी, बकरी तो हमारा जो स्त्रीलिंग हो गया है, लेकिन जो घोड़ा है वो हमारा पुरलिंग का है, तो ये हमारा अलग है सबसे, है ना। तो इसमें हम, ये हमारा आंसर होगा और इसमें हम टिक लगा देंगे। अब इसका दूसरा है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अभिमानी, स्वामिनी, तपस्वी, ओजस्वी। तो आप देखें, आप ऐसे ही तो कहेंगे कि वह बहुत अभिमानी व्यक्ति है,
वह बहुत तपस्वी है, वह बहुत ओजस्वी है। स्वामिनी हमारा स्त्रीलिंग का है, तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? स्वामिनी। कौन सा जोड़ा गलत है? मुर्गा मुर्गी, पाठक पाठिका, अध्यापक शिक्षक, छात्र छात्रा। तो मुर्गा का पुरलिंग का हमने स्त्रीलिंग लिखा है मुर्गी, पाठक की स्त्रीलिंग हो गया पाठिका, और छात्र का हो गया छात्रा। तो अध्यापिका के साथ अध्यापिका होना चाहिए था, लेकिन इसमें शिक्षक लिखा गया है जो कि दोनों ही पुरलिंग है, तो ये वाला जोड़ा हमारा गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? अध्यापक शिक्षक वाला हमारा जो है इसका आंसर होगा। अब हमारा ये वाला चैप्टर, इसके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बस मन लगा के ध्यान लगा के देखने वाली बात है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, बीच में कहीं भी कोई चीज़ छूट जाती है तो फिर उससे जो है हमें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। तो जब भी आप देखें उसे पूरा देखें, आधा अधूरा मत देखिए उससे, वरना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, वरना ये चैप्टर टफ नहीं है। अगर आपको मेरी चैनल जो है उसमें जो मैं अपनी वीडियोस डाल रही हूँ वो अच्छी लग रही हैं, वो मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। इसमें जब मैं अगली वीडियो है इसका अगला चैप्टर हमारा वचन आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी, है ना। और इससे पहले वाली, मतलब जो इस वीडियो से पहले वाली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके लिंक कमेंट बॉक्स और उसमें आपको मिल जाएंगे। मतलब ये मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं इनके सारे के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं, जिससे कि आपको इन्हें ढूंढने में, चैप्टर्स ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।